अर्शी, हम वो देखो अनिरुद्ध के हाथ में भी वैसे बैंडन है जैसा इसके हाथ में है। कहाँ? ध्यान से देखो जिस हाथ से उसने सिंदूर पकड़ रखा है उस हाथ में देखो। I don't know mom, लग तो ऐसा ही रहा है। Darling, fast. अनिरुद्ध का वो ऑफिस गया है। हाँ, अनी कह रहा था ऑफिस में बहुत काम है और इम्पोर्टेंट मीटिंग थी उसकी, सुबह सुबह ही निकल गया। वैसे भी यहाँ रहकर क्या ही करता वो। लाल कहता है हाँ मेरी तो छुट्टी थी मैम, आपका ध्यान नहीं है, फिर भी आपका ध्यान अभी भी सर की आवाज आई। इंटरेस्ट तो यहाँ किसी को भी नहीं है, लेकिन ये देखना जरूरी है, इस लड़का इस लड़की की सच्चाई जानना जरूरी है, इसकी शादी की सच्चाई जानना जरूरी है। और डॉली जी रफा जी का, डॉली जी ने बोला अनी से बात हुई आज? तुम्हारी अनिरुद्ध से बात हुई आज? कहा ना वो ऑफिस गया है, उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसी है, ऐसे में उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगेगा ना। अरे डिस्टर्ब क्या करना, जनक को वो लेकर आया है, जनक की शादी पूरी हो रही है तो उसे गुड न्यूज तो देनी चाहिए ना। कॉल करो उसे, बाद में करो। अर्शी अभी वीडियो कॉल करो उसे। मैं फोन रखता हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, ठीक है? बाय जनक, बाय। अनिरुद्ध को वीडियो कॉल करो, वो मीटिंग में है। ओके नॉर्मल कॉल करो और उससे बोलो वीडियो कॉल कराए, बोलो उसे। हेलो अनी, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई, तुम वीडियो कॉल पे आ सकते हो। एक्चुअली अभी भी कुछ डेलीगेट्स ऑफिस में बैठे हैं, बहुत खुश हैं इनफैक्ट मेरी मीटिंग से। तो तुम बताओ ना हो क्या रहा है? कुछ नहीं, यहाँ शादी हो गई है, इट्स डन। रियली? उसका हस्बैंड आया था वीडियो कॉल? हाँ। लवली, अब तो सब खुश होंगे ना, तुम्हारी मॉम भी? क्यों, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? No, I mean, सब एक बार उसे देखना चाहते थे, सब हो गया ना? हाँ हो तो गया, अच्छे से या नहीं ये नहीं कह सकते। क्या मतलब? मतलब क्या मतलब? I don't know अनी, सब कुछ बहुत अजीब था। वो लड़का वीडियो कॉल पर आया पर उसने चेहरा नहीं दिखाया अपना किसी को भी, और कह रहा था कि उसकी जान को खतरा है। खैर ये सबसे हमें क्या, उसके हाथ में सिंदूर था, उसने मंत्र पढ़े और शादी हो गई। ये सब खत्म, हमारा काम खत्म। अब बस मैं चाहती हूँ कि वो तेजस से अपना इशू सॉर्ट आउट करे और जनक को यहाँ से जल्द देके जाए। कर लेगा अर्शी, कर लेगा, लेकिन अनी तुम फ्री हो भी मैं वीडियो कॉल करूँ? हाँ अर्शी बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। ओके मैम आपसे बात पीछे कंटिन्यू, अपने लगाया फोन, एक्शन। हाय आंटी, हाय। हाय बेटा, कहाँ हो तू? मैं तो ऑफिस में, लेकिन आंटी आई एम सरप्राइज कि आप वहाँ शादी। कुछ रिश्ते अच्छे हो या बुरे उन्हें निभाना तो पड़ता है ना। क्रैश। और फिर मैं तो जनक की मासी हूँ, मुझे तो आना ही होगा, है ना? आंटी थैंक यू सो मच, आई एम श्योर जनक को अच्छा लगे। लेकिन अर्शी कोई बात थी क्या तुमने ऐसे अचानक वीडियो कॉल? नहीं बस, तुम ऑफिस से कब तक आओगे? वही यूजुअल टाइम, तुम घर पे ही हो? नहीं शाम को मेरी रिहर्सल्स हैं तो मुझे जाना होगा। हाँ तुम्हारी तो रोज रिहर्सल्स ही रहती, मैं भी क्या सवाल कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आंटी शादी के बाद ये मुझे टाइम दे पाएगी या नहीं। अच्छा मजाक छोड़ो, ये बताओ लंच किया तुमने? बस वही करने जा रहा था, वही कहने वाला था मैं कॉल रखता हूँ, आई कॉल यू, है ना? ठीक है आराम से खा लो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। हल्का सा अभी भी डाउट, अनी तो नहीं है ऑफिस में ही तो लग रहा था। अंजना की आवाज आती है, माँ शादी की रस्म तो हो गई, अब जनक अपना व्रत तो खोल सकती है ना। हाँ सब लोग साथ में ही खाएंगे, मीठे से शुरू करना। हाँ जनक आज तुम्हारे पति ने व्रत रखा था ना? मैम क्या बोलेगी? ज़ूम। और वो बोलती है पता नहीं। क्रैश। नहीं पता मतलब? नहीं पता मतलब तुमने उसे बताया नहीं? जनक कुछ पूछ रही हो तुमसे, हमेशा ये साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू कर देती हो तुम। अर्शी अब इससे क्या पूछ रही हो, इसे रस्म रिवाज की इम्पोर्टेंस का क्या पता होगा? वैसे भी जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। पौधी प्लीज खाना लगाइए। ठीक
विपाशा कहती हाँ मुझे भी भूख लगी है। सृष्टि आंटी आइए ना लंच करते। नहीं बेटा मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, एक्चुअली बहुत हैवी हो गया था तो मैं बस जनक के लिए आई हूँ। आगे नहीं बता। जनक की शादी के लिए आई हूँ। मैं बस जनक की शादी के लिए आई हूँ, मैं अप्पू कह देती है। हाँ, आप कहते हैं मैं तो यहाँ बस जनक की शादी के लिए आई। क्रैश। तो मैं अप्पू कहती चलो चलो जनक चलो तुम्हारी शादी तो हो गई उठो। और मैम ने कहा जनक